Potrei tenar anima, potrei provocar a luz. Prado em termos de lançar a cansada, por isso, o programa é esse que não fosse mexido com a globalidade para mim. Mas, dele que quero usar, como o que eu vejo em frente cá, anima, sabe cá, esse é o nome cá, me escuro, já né? बड़ी मेहनत और कोशिश से आज की इस तकरीब का इनेकाद किया, इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और हमें मौका दिया कि हम अपने फैलाव जो है वो एक मुश्तर करारदाद की सूरत में करारदादों की सूरत में अपना हक और मदा कर सकते थे। मैं इस मरहले पर यह कहना जरूरी समझता हूँ, सरदार सवार खान साहब इसका कोई शक नहीं है कि इंसाइक्लोपीडिया है, बेशक इन्होंने बहुत करीब से देखा है और वो नेविगेट भी किया है। शायद कुछ लोग बेलकून इस पर कश्मीर की बात उस तरह ना करते जिस तरह सवार खान साहब ने उनको नेविगेट करके आगे चलाया और अपने वतन की जो है वो तड़प उसको हम तक भी पहुंचाया और सारी बात बड़ी कुर्बानियां हैं हमारे इस्लाफ की। मैं कहना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान कायम हुआ तो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक थी उसको जिस अंदाज में चलाने की कोशिश की वो हमारे लिए समझने की जरूरत है। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता लेकिन ये अहम बात है और इसमें जिस कमल पर यह कर्ज है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, जेलों में वक्त गुजारा है, गर्मी सर्दी देखी है कि आज खुर्शीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक तालिबे इल्म की हैसियत से काम किया है और मैंने बहुत करीब से गाजी अब्दुल सत्तार मोहम्मद इब्राहिम खान, मुजाहिद अवल सत्तार अब्दुल क्यूम खान और दूसरे तमाम कश्मीरी लीडरों अमानुल्लाह खान साहब, डॉक्टर फारूक हैदर साहब, इनके साथ मिलने और कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। यह एक अमानत है जो मैं आप हजरात के सामने रखना चाहूँ। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जब आजाद कश्मीर के खत्ते को जो हमारे पास ही 400 मरबा मील की सूरत में स्थित है, इसको जब हमारे अबा अजदाद ने हमारे असलाफ ने आज़ाद किया तो कायद आजम ने इस पर पाकिस्तानी फौज को यह हुक्म नहीं दिया कि इस इलाके पर कब्जा कर लो इसलिए कि यह इलाका हिंदुस्तान से आज़ाद हो गया है। कायद आजम ने सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान को उस रियासत जम्मू और कश्मीर का सदर बनाया, उन्होंने उसके परचम को बरकरार रखा, उन्होंने आजाद कश्मीर रेजिमेंटल फोर्सेस को कायम रखा, उन्होंने कोई गासपाना कब्जा नहीं किया उस इलाके के ऊपर। चुंजाल हिल जो है कराला करालखाल का इलाका जहां यह कायम हुआ आजाद कश्मीर का दारुल खिलाफा, इस दारुल खिलाफा की जो पहली इंतजामिया थी उसका सदर था, उसका वजीर दिफा था, उसके पास लामहदूद किस्म के पूरी रियासत के उस तरह के इख्तियारात थे जो महाराजा हरि सिंह की वो महाराजा के भागने के बाद जब वो भाग के जम्मू चला गया उसके खिलाफ एक बड़ी पॉपुलर बगावत थी और उसके नतीजे में जब ये सारी सूरत हाल हुई तो कायद आजम ने जो कश्मीर पॉलिसी इख्तियार की वो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान को पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर का नुमाइंदा सरबराह जो है वो तस्लीम किया सरदार कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह, और के एफ खुर्शीद को जो कायद आजम के प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनका एक इंतहाई हसास मिशन था। जब के एफ खुर्शीद की वालिदा का इंतकाल हुआ, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास ये इत्तला पहुंची तो उन्होंने मोहतरमा फातिमा जना से कहा कि फातिमी एयर इंडिया का टिकट खरीदे। खुर्शीद की माता का इंतकाल हो गया तो क्या खुर्शीद
रहमतुल्लाह को जब कायदे रहमतुल्लाह ने बताया और ये कहा, अगले दिन एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वो कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जिसमें कैयाज खुर्शीद ने खसूसी नोट्स तैयार किए हुए थे कायदे रहमतुल्लाह के लिए। तो कैयाज खुर्शीद ने मां के जनाजे में वो नहीं गए, उन्होंने कायदे को कहा इस वक्त आपको मेरी जरूरत है, यह कुर्बानियां थी। तो कैयाज खुर्शीद को एक अहम मिशन का उन्होंने भेजा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मकबूदा कश्मीर में कैयाज खुर्शीद को गिरफ्तार कर लिया महाराजा के जो वो इंतजामिया थी उन लोगों ने। तो कायदे आदम ने बहसियत गवर्नर जनरल एक खत जो लिखा है नेहरू को, पंडित नेहरू को, उस वो एक खत है तारीख में जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी कैयाज खुर्शीद को अपना रसूख इस्तेमाल करके कश्मीर से आजाद करवाए क्योंकि मेरे तमाम काम अधूरे और बंद पड़े हुए उसके बताए। यह उस शख्स की अहमियत थी। तो मैं ये कहना चाहता था आपसे कि कैयाज खुर्शीद ने जब यह देखा कि हालात हमारे हाथ से निकल रहे, जब मायदा कराची या दूसरी चीजें, तो ठीक है पाकिस्तान से इंतजामी अमूर में उन्होंने कहा कि आप हम वहां पर बर रास्त इंतजाम नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान ने यह मायदा आजाद कश्मीर के हुक्मरानों के साथ किया था ना, आजाद कश्मीर के सियासी नुमाइंदों के साथ किया था। वो मायदा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ तो नहीं था, उसमें कोई गिलगित बल्तिस्तान का बंदा जो है वो शरीक नहीं था। तो मायदा दो फरीकों के दरमियान होता है। तो कश्मीर की सरदार इब्राहिम खान साहब कहा करते थे, मैंने जब उसे इस बारे में सवाल किया साफी की हैसियत से, तो उन्होंने कहा मैंने कुछ लिख कर दिया हुआ है लेकिन हाथ काट के नहीं दिए हुए, मैंने कुछ लिख कर दिया हुआ है हाथ काट के मैंने नहीं दिए हुए। कश्मीरी वारस है, कश्मीरी जिसको चाहे वो अपना केस उठा सकते हैं। यही बात भट्टू साहब ने जब आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की करारदाद पेश हुई, मैं ये बातें इसलिए करता हूं कि यह एक अमानत है, सरदार सवार खान साहब मौजूद हैं, जब आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की यह करारदाद पास हुई तो हमने इसको रिजिस्ट कायदा के खिलाफ पारित जो सुल्तान अली थे और हमने पूरे आजाद कश्मीर में जैम कर दिया उस वक्त सुल्तान को, और हमने कहा कि नहीं कर सकते, तो उनको यह पसपाई इख्तियार करना पड़ी और फिर यह सरदार पीएम साहब उसके सदरे आबाद कश्मीर थे। सबकर के बाप की बात कर रहा हूं। अब अगली बात जो है वो यह थी कि जब 1965 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग क्वाइन हुई, तो उस वक्त आजाद कश्मीर के इंतखाबात में जो नुमाइंदा स्टेट काउंसिल थे उस स्टेट काउंसिल में इसहाक बलती गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करते थे। जब मैंने कैयाज खुर्शीद की बात की तो मैं अपने लिबरेशनिक से मेरा ताल्लुक है तो मुझे पार्टी का असीर न समझा जाए, मैं गुजारिश करूंगा आपसे यह तारीखी हकीकत है। जब गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान अपने वहां के लोगों ने आजाद कराया, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान को, और गवर्नर कंसारा सिंह वहां किसकी नुमाइंदगी करता था, इसी तरह कश्मीरियों को इकट्ठे होना चाहिए, बस ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से।